हेलो एवरीवन आज का हमारा ये जो शॉर्ट वीडियो है ये है एपिस्योटमी के बारे में एपिसोटमी क्या होती है तो ये एक प्लान इंसिजन होता है यानी कि एक प्लान्ड कट होता है ये कट लगाया जाता है लेबर के दौरान और क्यों लगाया जाता है ताकि जो भी होने वाले टीयर हैं उन्हें रोका जा सके जो इंट्रॉइटस है उसको डैमेज से बचाया जा सके यानी कि अगर जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है अगर बच्चे का सर थोड़ा सा बड़ा है या बच्चे की बॉडी थोड़ी सी बड़ी है जिसे हम कहते हैं मैक्रोसोमिक अगर जो पेरिनियम है वो हार्ड है राइट तो फॉरसेप डिलीवरी है इन सभी केसेस के अंदर एंट्रॉइटस के डायामीटर को बढ़ाने के लिए आउटलेट के डायामीटर को बढ़ाने के लिए ये कट लगाया जाता है ये एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है यानी कि ये हर किसी में नहीं परफॉर्म करना होता है हर लेबर के दौरान एपिजियोटॉमी की ज़रूरत नहीं होती है सो इट इज़ नॉट अ रूटीन प्रोसीजर अब सवाल आता है कि ये जो एपिजियोटॉमी है ये कि कब लगाया जाता है तो ये जस्ट बिफोर क्राउनिंग जब बच्चे का सर जो है वो दो से तीन सेंटीमीटर तक विजिबल हो बच्चे के हेड का जो डायामीटर है वो दो से तीन सेंटीमीटर तक विजिबल हो तभी जस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसे लगाया जाता है फोकस कीजिएगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसे लगाया जाता है ताकि जब सबसे मैक्सिमम स्ट्रेच्ड हो वल्वा तब इसको लगाया जाए तो इससे जो एपिजोटोमी है वो प्रॉपर लगती है सो so, आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में कि एक तो ये क्या है प्लांट इंसिजन है कब लगाया जाता है तो जस्ट बिफोर क्राउनिंग वेन हेड इज विजिबल वेन फीटल हेड इज टू टू थ्री सेंटीमीटर विजिबल राइट एंड इट इज नॉट अ रूटीन प्रोसीजर क्लियर है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिकेशन की कि किस किस में ये होगा तो इंडिकेशन में आपको याद रखना है मैक्रोसोमिक बेबी है विजिट प्रीमियम है इसके अलावा फोर्सेप डिलीवरी है एक क्वेश्चन ये आता है कि फॉरसेप डिलीवरी में ये कट कब लगाया जाता है तो फॉरसेप डिलीवरी में फॉरसेप को इंसर्ट करने के बाद एपिजियोटोमी कट लगाया जाता है आफ्टर इंसर्शन लगाया जाता है आफ्टर इंसर्शन ऑफ फॉरसेप फॉरसेप्स इंसर्ट करने के बाद में क्या लगाया जाएगा ये कट लगाया जाएगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये कट लगाया जाएगा क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो उस समय में वलवा सबसे ज्यादा स्ट्रेच होगा और उसी समय में अगर एपी लगाई जाए तो वो क्लियर लगती है ठीक है कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं क्योंकि इस समय में क्या होता है मैक्सिमम वलवा स्ट्रेच होता है अब नेक्स्ट जो चीज पूछी जाती है वो है टाइप्स पर यानी कि किस किस तरह की एपीजोटोमिक कट होते हैं तो ये मान लीजिए क्या है वल्वा पार्ट है ये मान लीजिए एनस है राइट तो एक जो है ये मान लीजिए एनल ओपनिंग है और ये वल्वा पार्ट है राइट इसके अंदर यहां जो होता है जिसे हम कहते हैं फॉरशेट अगर फॉर्शेट से सीधा एनएस की तरफ कट लगाया जाए तो इसे आप कहते हैं मिड लाइन एपीजॉट इसे आप क्या कहते हैं ये जो फर्स्ट नंबर है ये है मिड लाइन एपीजॉड मिड लाइन एपिजॉट सेकेंड जो आएगा सेकेंड आपका आएगा मिड लाइन से टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दूर मिड लाइन से टू सेंटीमीटर दूर जो लगाई जाती है वो आती है मीडियो लेटरल एपीजॉड जो सेकेंड नंबर आपके सामने है वो क्या है मीडियो लेटरल मीडियो लेटर थर्ड जो आता है वो फॉरसेट के सेंटर से एक सेंटीमीटर दूर फॉरसेट के सेंटर से एक सेंटीमीटर दूर और लेटरली लगाई जाती है है ना जो हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स कट जो दिया जाता है जिसे आप कहते हैं लेटरल एपिसोडमी जो थर्ड नंबर है वो है लेटरल एपिसोडमी और जो चौथी आती है वो उसके अंदर मिड लाइन में आप अराउंड 1.5 सेंटीमीटर का कट लगा कर और फिर उसे क्या कर देते हैं उसके अंदर एक कर्व बना देते हैं उसे लेटरल कर देते हैं है ना यानी कि मिड लाइन में थोड़ा सा बनाकर और फिर उसे कर्व कर देते हैं चाहे राइट साइड कर दीजिए चाहे लेफ्ट साइड कर दीजिए तो ये जो शेप बन रहा है ये है जे शेप तो जे शेपिजोटोमी लगाई जाती है जे शेप तो चार तरह की एपिजोडमी हो गई अगर सेंटर में लगाई जाए फोर्सेस से एनल तक तो वो मिडलाइन एपिजॉडमी है अगर सेंटर से 2.5 सेंटीमीटर दूर लगाई जाए और लेटरल और लेटरल और सेंटर के बीच मिड लाइन के बीच में लगाई जाए तो इसे कहा जाएगा मीडियो लेटरल नेक्स्ट आती है जो फॉरशेट के सेंटर से एक सेंटीमीटर दूर लगाई जाती है और हॉरिजोटल लगाई जाती है जिसे आप लेटरल एपीजमी कहते हैं और जो चौथा टाइप आता है इसके अंदर लगभग एक से डेढ़ सेंटीमीटर जो है मिड लाइन में लगाकर और फिर उसे कहाँ घुमा दिया जाता है लेटरली घुमा दिया जाता है तो ये आ जाती है जे शेप अब सवाल आता है मोस्ट कॉमन तो मोस्ट कॉमन है मीडियो लेटरल मोस्ट कॉमन है मीडियो लेटर मोस्ट कॉमन है सेकेंड मोस्ट कॉमन मीडियल होती है सो मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछा जाए तो मीडियो लेटरल होती है सेकेंड मोस्ट कॉमन मिडलाइन होती है सेकंड मोस्ट कॉमन मिडलाइन होती है या मीडियल होती है राइट right? मीडियल so कह दीजिए या मिडलाइन कह दीजिए नेक्स्ट आपका सवाल आता है कि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो है डिसूनिया डिस्पेरी यूनिया यानी कि डिफिकल्टी या पेनफुल इंटरकोर्स है ना तो डिस्पेरी यूनिया जो है इसका क्या रह सकता है कॉम्प्लिकेशन रह सकता है इसके अलावा कई बार इन्फेक्शन देखा जाता है राइट right? <coughs> नेक्स्ट जो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसे रिपेयर कौन से सूचर से किया जाता है तो इसका रिपेयर कैट गट से किया जाता है इसका जो रिपेयर है वो किससे किया जाता है कैटगट से किया जाता है ये सेल्फ एब्जॉर्बेबल होती है एक्सक्यूज़ मी <coughs> होते हैं यानी कि अपने आप एब्जॉर्ब ये स्यूचर हो जाते हैं अगर कभी सिल्क से किया जाता है तो उसे छः डे पर वापस आपको क्या करना पड़ता है स्यूचर को रिमूव करना पड़ता है बट तो जनरली जो किया जाता है वो किससे किया जाता है गट से किया जाता है नेक्स्ट आता है कि जो एपीजोटोमी का कट लगाया जाता है उसके टीयर जो है अगर वो टीयर को हम डिफ्रेंशिएट करें तो चार डिग्री में टीयर हम देखते हैं एपीजाटोमी जो टीयर है वो चार डिग्री में देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट डिग्री टीयर में सिर्फ वेजाइनल म्यूकोजा जो है वो अफेक्ट होती है जब सिर्फ वेजाइनल म्यूकोजा के अंदर कट लगता है सेकेंड में वेजाइनल म्यूकोजा के साथ साथ मसल्स भी अफेक्ट होती है सेकेंड में क्या होता है मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं थर्ड अगर वेजाइनल म्यूकोजा के साथ में मसल कट हो गई और मसल के साथ में एनल स्फिंक्टर भी कट हो गया है तो वो थर्ड डिग्री टीयर है वो कौन सा डिग्री टीयर है थर्ड डिग्री टियर है जिसमें वेजाइनल म्यूकोजा प्लस मसल प्लस एनल स्फिंक्टर इन्वॉल्व हो जाता है और जो फोर्थ डिग्री आता है फोर्थ डिग्री के अंदर एनल्स फिंक्टर के साथ साथ जो रेक्टम की वॉल है वो भी क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है तो फोर्थ डिग्री टीयर में क्या क्या हो जाएगा वेजाइनल म्यूकोजा प्लस पेरिनियल मसल्स प्लस एनल्स स्फिंक्टर एंड रेक्टम राइट right? सो so, ये है डिग्री ऑफ टियर ऑफ एपिजिओटमी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिग्री में क्या होता है सेकेंड डिग्री में क्या होता है या फिर ये कह देंगे कि भाई एनल स्फिंक्टर और पेरिनल मसल दोनों इन्वॉल्व हो गई है तो बताइए कौन सा डिग्री होगा इस तरह से आपको इसको याद रखना है सो so, ये कुछ बातें थी एपिजिओटमी के बारे में ये था आपके लिए शॉर्ट वीडियो इसे देखने के लिए थैंक यू सो मच